अक्षरधाम ની બંને બાજુ ઝગમગતું પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાન એક સમાન છે। બે જ્યોતિ ઉદ્યાન અહીંયા બનાવવામાં આવ્યા છે। હજારો સ્વયંસેવકોએ એમનું યોગદાન આપ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો E=MC² પ્રધાનમંત્રી મહોદય જ્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એની પાછળ E=MC² સાપેક્ષવાદ અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના સિદ્ધાંતોનો ઉપહાર જે સર્વકાલીન મહાન વૈજ્ઞાનિક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને આપ્યો એમનું સૂત્ર ત્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે। ये इसलिए दर्शाया गया है कि यहाँ श्रद्धा का एक संदेश दिया गया है, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या सर आइजेक न्यूटन हो, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान में श्रद्धा रखते थे। हाँ, उन्होंने ये बड़ा अद्भुत सूत्र दिया जिसके आधार पर कई सारे इस तरह से वैज्ञानिक संशोधन हुए, E=MC², लेकिन उसके पीछे भी उनकी एक श्रद्धा, वो बहुत ताकतवर थी। तो यहाँ चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक रूप से कोई अग्रसर हो, हर एक के पीछे कई श्रद्धा छिपी हुई है। तो इसका यहाँ ज्योति उद्यान में बहुत सुंदरता से निदर्शन दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा आजादी ना अमृत महोत्सव निमित्ते एक अलौकिक प्रदर्शन यहाँ प्रस्तुत करवामा आव्यु छे। ભારતના સ્વતંત્રતાના સંગ્રામમાં, ભારતના રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં જે જે મહાન વિભૂતિઓએ પ્રદાન આપ્યું તેઓનો પરિચય બાળકો કેળવી શકે તે માટે અહીંયા સુંદર મજાના એમના ચિત્રો મૂકવામાં આવ્યા છે। જી હા, આઝાદી કે અમૃત મહોત્સવ કે ઇસ પવિત્ર પર્વત पर्व पर यहाँ हमारे भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में, भारत के निर्माण में जिन अवतारी पुरुषों ने, जिन महान संतों ने, जिन महाराजाओं ने, जिन ऐसे स्वतंत्र वीरों ने जो अपना योगदान दिया है, उसको यहाँ बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। तो आज़ादी के अमृत पर्व पर हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इसकी यहाँ प्रेरणा दी गई है। हर एक व्यक्ति जहाँ भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, देहाती है या शहरी है, या कोई पढ़ लिखा है या अनपढ़ है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी तरह का वो पद पर वो विराजमान है, वो अपना कुछ न कुछ योगदान इस देश के लिए अवश्य दे सकता है। और ऐसे ही ये देश महान बनेगा, ऐसे ही ये संस्कृति महान बनेगी, इसका यहाँ सुंदरता से संदेश सजाया गया है। As the nation and the world gathers to celebrate 75 years of independence of India, it is important to note that beyond just India and the contributions that these people have provided to this great republic and this region, this subcontinent, there's a large Indian diaspora in Australia, in Africa, in Europe, in North America, South America, and these Indians are as proud, these Indian Americans, these Indian Europeans are as proud of their heritage and tradition. Prime Minister Sri Narendra Modi, Brahma Vihari Das Swami, and other invited guests are making their way towards this place of tribute to the great Indian Republic. आने वाले समय में आइए हम भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर भारत के निर्माण में योगदान देने वाले महान अवतारों, संतों, सम्राटों एवं राजनेताओं को हमारी भावांजलि समर्पित करें। हम एक भारत, सशक्त भारत और महान भारत के नायक बनकर अपने पूर्व वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत आज जो एक भारत के रूप में विराजमान है, दुनिया में, विश्व में अपना एक नाम बना रहा है, उसमें जिन जिन लोगों का योगदान है, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो आज वास्तव में भी आज़ादी के इस अमृत पर्व की प्रस्तुति में वे वहाँ बैठे हैं। पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री, और
अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आदि सब यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं।